टोटल इसके ऊपर कितने व्यूज हैं, 28 मिलियन व्यूज। इंग्लिश कंटेंट है, अगर कम से कम इसने अर्निंग किया तो 1 करोड़ इसने लाजमी अर्निंग की होगी। जो ऑडियंस है वो ज्यादा यूएस ऑडियंस है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो टोटल इसकी जो अर्निंग होगी इस महीने में इसने 1 करोड़ कम से कम अर्निंग किया। लेकिन यहाँ पे जो $7,000 इसकी अर्निंग है, भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितने, एक मंथ में 19 लाख से ज्यादा अर्निंग कर रहा है। उसकी जो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग है, ठीक है, $1,12,000, तो वो कितने हो रहे हैं यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, 3 करोड़ से ज्यादा उसने अर्निंग किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आविद शहजाद। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसा कमाल का कंटेंट लाया हूं, कमाल आइडिया। आप लोगों को 200 व्यूज के ऊपर भी $1 मिल सकता है, 300 व्यूज के ऊपर भी $1 मिल सकता है, और 500 व्यूज के ऊपर भी आप लोगों को $1 मिल सकता है। लेकिन मजे की बात यह कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसा कंटेंट बताने वाला हूं, अगर आप लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, आपके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, लेकिन फिर भी आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए अर्निंग करना चाहते हैं, इंग्लिश कंटेंट बनाना चाहते हैं, इंग्लिश में वीडियोज बनाना चाहते हैं, यूएस यूके जो प्रीमियम कंट्रीज हैं, उनकी ऑडियंस को आप लोग टारगेट करना चाहते हैं, वीडियो के ऊपर जो इंग्लिश ऑडियंस है, ठीक है, लाना चाहते हैं, तो भाई आप लोगों के लिए इससे बेहतर कोई भी आइडिया नहीं होने वाला, क्योंकि मैं कहता हूं ऑनलाइन काम में इससे आसान कोई भी काम हो ही नहीं सकता है, और इससे ज्यादा पैसे वाला कोई भी काम नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाऊंगा, जितने भी यूट्यूब के ऊपर चैनल है सबसे ज्यादा वो इस किस्म के चैनल अर्निंग कर रहे हैं, और सबसे आसान काम जो होता है इन चैनल का होता है। लेकिन आप लोगों को पता है इनकी जो ऑडियंस होता है, ठीक है, एक तो वो यूएस बेस के ऊपर, जो आउट ऑफ कंट्री यूएस हो गया, यूके हो गया, जो प्रीमियम कंट्री है, ठीक है, उन कंट्रीज की सीपीएम आरपीएम बहुत ज्यादा हाई है, वहां पे आप लोगों को कम यूज के ऊपर बहुत ज्यादा अर्निंग होती है। लेकिन दूसरी बात ये कि ये वाला कंटेंट किड्स कंटेंट है, बच्चे इस किस्म की वीडियोस को देखते हैं, सिर्फ ये कंटेंट जो है ना बच्चों के लिए, तो इसीलिए इस कंटेंट के ऊपर बहुत ज्यादा अर्निंग भी होती है और व्यूज भी काफी ज्यादा आते हैं। आप लोगों ने किड्स कंटेंट वाली वीडियोस बनानी है, क्योंकि वीडियोस जो है ना वो इंग्लिश में होंगी और पूरे वर्ल्ड से आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज आएंगे, और वीडियो बनाना तो इतना आसान है, 5 मिनट में आपके पास जो भी मोबाइल फोन है उसी मोबाइल फोन में आप लोग ये वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। ना आप लोगों ने कैमरे के सामने आना है, ना आप लोगों ने कोई खास इसके लिए हैवी सेटअप वगैरह किसी चीज की जरूरत होगी, ना आप लोगों को किसी एक्सपीरियंस, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप लोग इस किस्म की वीडियोस बना सकेंगे, और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप लोग खुद नहीं करना चाहते हैं तो अपने घर में किसी भी छोटे बच्चे को ये वीडियो लाजमी दिखा दें, क्योंकि ये बच्चों का काम है, और बच्चे इसको 5 मिनट में ये वाली वीडियो आप लोगों को क्रिएट करके दे सकते हैं, और ठीक 1-2 मंथ के बाद आप लोग उसका रिजल्ट देखें वो आप लोगों को कितना अर्निंग करके देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैं यूट्यूब ऐप ओपन करता हूं और एक चैनल में आप लोगों को ओपन करके दिखा रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे इस किस्म के चैनल है, जो मेन चैनल है, जो बड़े चैनल है, वो चैनल में आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूं, ये एक चैनल है, इसके ऊपर कम वीडियोस हैं, देख सकते हैं 159 वीडियोस हैं, 1 मिलियन प्लस इसके ऊपर सब्सक्राइबर हैं, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग इसकी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना, 3 लाख प्लस इसके ऊपर व्यूज हैं, 8 लाख प्लस इसके ऊपर व्यूज हैं, ठीक है, और यहां पे आप लोग देख सकते हैं 1.7 मिलियन, 1.5 मिलियन, 6.8 मिलियन, ठीक है, और नीचे आप लोग देख सकते हैं 5 मिलियन, 7.2 मिलियन। यहाँ पे आप लोग वीडियो देखिए, बिल्कुल बच्चों वाला काम है, ABC, ठीक है, जो बच्चों की लर्निंग वाली वीडियोस होती हैं, ये वही सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ABC है, ठीक है, गिनती है, तो ये सब कुछ आप लोगों को हर वीडियो में एक ही चीज़ आप लोगों को सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, हर वीडियो ये आप लोग देखिए, ये भी मिलियन में व्यूज हैं, 4 मिलियन व्यूज हैं, ये 7 मिलियन व्यूज है, यहाँ पे भी ABC है, यहाँ पे भी ABC है, ठीक है, और ये भी ABC है, यहाँ पे 1.7 मिलियन है, ये 14 मिलियन है। ठीक है, तो इस किस्म की वीडियो आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल फोन में, आप लोगों ने क्रिएट करने हैं, बिल्कुल आसान आप लोगों को तरीका बताने वाला हूं। और मोस्ट पॉपुलर वीडियो के ऊपर आप लोग देख सकते हैं 55 मिलियन व्यूज हैं, ठीक है, 53 मिलियन व्यूज हैं, 31 मिलियन व्यूज हैं, 25 मिलियन व्यूज हैं, 24 मिलियन व्यूज हैं, और ये भी आप लोग यहां पे देख सकते हैं ABC वाली वीडियोस हैं, और ये 1-2 वाली वीडियोस हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिंपल जो है ना किड्स लर्निंग वाली वीडियोस बनाने का तरीका सिखाने वाला हूं, सिंपल आसान आप लोगों को मेथड समझाने वाला हूं, और थोड़ा सा इनसे अलग करके आप लोगों ने चेंज करके बनाने, क्योंकि जब आप लोग किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं आप लोग हमेशा कहते हैं कि कंपटीशन ज्यादा है, तो कंपटीशन वहां पे ज्यादा होता है, आप लोगों ने थोड़ा सा चेंजिंग करना है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने अपने तरीके से वीडियो बनाना है, अपना एक अलहदा जो है ना पहचान बनानी है, तो तब जाके आपका चैनल रातों रात ग्रो हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू ये वाला जो मेथड है, ये नहीं, एक सिंपल आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि बिल्कुल आसान है, जिससे आप लोग इजिली जो है ना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला चैनल ओपन किया हुआ है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसकी अपलोड्स, आप लोग देख सकते हैं सब्सक्राइबर, देख सकते हैं, और अर्निंग यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, $7,000 से लेकर $1,12,000 तक की अर्निंग कर रहे, ठीक है, $7,000 कम से कम, और $1,12,000 वो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करें। लेकिन आप लोगों को बता दूं, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं ये अर्निंग आप लोगों ने नहीं देखना है, यहां पे इसके ऊपर जो व्यूज आते हैं, अब टोटल इसके ऊपर कितने व्यूज हैं, 28 मिलियन व्यूज। इंग्लिश कंटेंट है, अगर कम से कम इसने अर्निंग किया तो 1 करोड़ इसने लाजमी अर्निंग की होगी। मैं खुद एक जो है ना कंटेंट क्रिएटर हूं, मुझे पता है पाकिस्तानी व्यूज की जो अर्निंग होगी वो भी फिर इसने 50 लाख से काफी ज्यादा अर्निंग की है। इसकी जो ऑडियंस है वो ज्यादा यूएस ऑडियंस है, ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो टोटल इसकी जो अर्निंग होगी इस महीने में इसने 1 करोड़ कम से कम अर्निंग किया। लेकिन यहां पर
जो $7,000 इसकी अर्निंग है, भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितने एक मंथ में 19 लाख से ज्यादा अर्निंग कर रहा है। उसकी जो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग है ठीक है $1,12,000, तो वो कितने हो रहे हैं यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, 3 करोड़ से ज्यादा उसने अर्निंग की ठीक है। उसकी जो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग है $1,12,000, वो पाकिस्तानी कितने हो रहे हैं 3 करोड़ से भी ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं ठीक है। 3 करोड़ से ज्यादा एक मंथ की उसकी अर्निंग है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि इस किस्म की वीडियोस के ऊपर मिलियंस में व्यूज आते हैं और ये कितनी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि ये वाली वीडियो आप लोग मोबाइल फोन के ऊपर किस तरह बना सकते हैं, तो ये सब कुछ मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, वहां पे हर एक चीज आप लोगों को प्रैक्टिकली समझा देता हूं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गया हूँ। सबसे पहले आप लोगों के पास दो एप्लीकेशन होनी चाहिए। आप लोगों ने प्ले स्टोर ओपन करना है, इमेज सर्च मैन यहाँ पे आप लोगों के सामने शो हो रहा है ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इमेज सर्च मैन ठीक है, मैंने सर्च किया प्ले स्टोर पे, तो ये वाली जो है ना एप्लीकेशन है आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। और इसके अलावा आप लोगों के पास एक एप्लीकेशन होनी चाहिए काइन मास्टर ठीक है, जो भी आप लोग यूज़ करना चाहें काइन मास्टर या इनशार्ट, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में काइन मास्टर यूज़ करने वाला हूँ। ये दोनों एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि मैं पहले सर्च करता हूँ एप्पल ठीक है। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। ये वाला जो आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आप लोगों को बताने वाला हूँ, बिल्कुल न्यू मेथड है ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने इस तरह की वीडियोज़ क्रिएट करना किसी ने आपको नहीं समझाया था, तो ये बिल्कुल न्यू तरीकाकार है ठीक है। जहां पे आप लोगों ने किसी ऐसी पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है जिसका जो बैकग्राउंड है ठीक है वो व्हाइट हो, डाउनलोड करें और उसके बाद उसको आप लोगों ने यूज करना है ठीक है। फिर आप लोगों को बैकग्राउंड जो है ना रिमूव करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, एप्पल यहां पे हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आप लोग कोई भी चीज, जैसा कि हम लोग बुक सर्च करते हैं ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या सर्च किया बुक, तो ये बुक सर्च करने के बाद आप लोग कोई भी एक बुक जो भी आप लोगों को सही लगे, जिसको भी आप लोग डाउनलोड करना चाहें उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पे मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ये मैंने डाउनलोड कर लिया ठीक है। जो वीडियो है ठीक है, जिससे रिलेटेड जो भी चीज़ आप लोगों को चाहिए तो वैसे ही आप लोग सर्च करेंगे। जैसे मैंने कैट सर्च किया, तो यहाँ से आप लोग जो भी कैट डाउनलोड करना चाहें वो आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है। जिसके ऊपर भी आपने क्लिक करना है और डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपने डाउनलोड करना है। अच्छा, ये तो हो गए कुछ ये सिंपल चीज़ें। यहाँ पर आप लोगों ने एक और चीज़ सर्च करना है, टीचर ठीक है, एनिमेटेड इमेज, ये आप लोगों ने सर्च करना है यहाँ पे। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है, इस किस्म की जो भी पिक्चर आप डाउनलोड करना चाहें तो वो आप लोग डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं ठीक है। जो भी आप डाउनलोड करना चाहें उसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेने और उसको आप लोगों ने यूज़ कर लेने। अब जैसा कि ये पिक्चर है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ठीक है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं डाउनलोड वाली इमेज के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर रहा हूँ ठीक है। मैं ये डाउनलोड कर रहा हूँ, आप लोग इसके अलावा जो भी डाउनलोड करना चाहें, जिसके ऊपर भी क्लिक करना चाहें, तो उसको डाउनलोड करके आप लोग ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने कोई भी एडिटिंग एप्लीकेशन यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं काइन मास्टर यूज़ कर रहा हूँ, इसको आप लोगों ने ओपन करना है और क्रिएटिव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये वाला जो फ्रेम है ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं ठीक है। इमेज असेट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे वाइट जो है ना आप लोग एक बैकग्राउंड लगा दें। यहाँ से इसको पकड़कर हम आगे ले जाते हैं ठीक है, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा आप लोगों ने आगे ले आना है ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, लायर के ऊपर क्लिक करते हैं ठीक है, और यहाँ पे मीडिया वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। हमने ये ऐड कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ ठीक है, इस साइड पे, और ये ऐड करने के बाद दोबारा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लायर के ऊपर क्लिक करता हूँ और मीडिया के ऊपर क्लिक करता हूँ ठीक है। पिक्चर से हमने जो चीज़ें डाउनलोड की हुई है, सबसे पहले हमने एक FR एप्पल डाउनलोड किया था ठीक है, इसको यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पर ठीक हो गया। और ये ऐड करने के बाद दोबारा आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मीडिया के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक कलर यहाँ पे मैं कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ ठीक है। जैसा कि ये रेड कलर है, मैं ये सिलेक्ट कर लिया और नीचे क्रॉप वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसके साथ जो है ना, बल्कि ये वाला जो है ना कुछ इस तरीके से ये ऐड कर लिया है ठीक है, इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ। और ये लगाने के बाद यहाँ पे आगे आप लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये आप लोग चेक कर सकते हैं। और दोबारा हमने क्या करना है, क्रॉप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको भी इस साइड से थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ ठीक है। और ये करने के बाद अब ये जो हमारे पास कलर है ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके इसके जो कलर है चेंज करता हूँ। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, लायर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ ठीक है। यहाँ पे मैं क्या सर्च करता हूँ, डबल ए, कैपिटल और स्मॉल दोनों यहाँ पे मैंने ऐड कर लिए हैं। इसको मैं कलर दे देता हूँ यहाँ पे, बल्कि इसको क्या करते हैं, यहाँ पे वाइट कलर दे देता हूँ ठीक है। और वाइट कलर देने के बाद यहाँ पे मैंने इनको वाइट कलर दे दिया है ठीक है। और इसका जो कलर है ठीक है, सॉरी, इसका जो फॉन्ट है ये भी मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ ठीक है। कोई भी इसके साथ ऐसा फॉन्ट लगा देते हैं जो सही लग रहा हो,
तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फॉन्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा इसी फॉन्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसका जो कलर है ठीक है इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं जो है ना सॉरी एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पे एडिट करता हूँ, APPLE एप्पल, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने ऐड कर लिया कुछ इस तरीके से। अब मेन जो हमारा पार्ट शुरू होता है वो हमने यहाँ पे ये करना है, ठीक है। ये जो पिक्चर है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये की फ्रेम है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लस वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ तक, और इसको पकड़ कर हमने यहाँ पे ले आना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आप लोग ये चेक कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये प्ले करके दिखा देता हूँ, ये आप लोग यहाँ पे चेक करें, ए फॉर एप्पल, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सेपलेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, सेपलेट के ऊपर क्लिक करके इसको मैंने यहाँ पे सेपलेट कर दिया, ठीक है। ये जो पीछे वाला पार्ट है हमारे पास इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और ये डिलीट करने के बाद उसके बाद आके आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सेव वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है आपने और इसको यहाँ पे सेव एज वीडियो के ऊपर क्लिक करके आपने सेव कर लेना है, ठीक है। अब सिंपली आप लोगों ने इसी तरह एक वीडियो जो है ना सेव कर लिया है, सेव हो गया। अब दोबारा आप लोग इसी वीडियो में बैक जब आते हैं, ठीक है, सेम हम लोगों ने क्या करना है, ये भी हमारे पास वही होगा, इसके ऊपर क्लिक करके हमने इसको डिलीट कर देना है और लायर के ऊपर क्लिक करना है, मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और जो हम लोगों ने पिक्चर्स डाउनलोड की हुई है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे ऐड करना है। अब दोबारा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये बुक्स ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, इन बुक्स को यहाँ पे ऐड करना है और ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास AA था, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और ये करने के बाद दोबारा B और ये B, ठीक है ना, यहाँ पे ये मैंने कुछ इस तरीके से ऐड कर लिया, ठीक है दोस्तों। और ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, एप्पल वाला, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ मैं और एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, सॉरी टाइप करता हूँ बुक, BOOK बुक, और यहाँ पे मैंने ये बुक लगा दिया। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वही हमारे पास ये जो कार्टून है ये आगे आ रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको भी दोबारा सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और सेव एज अ वीडियो के ऊपर क्लिक करके आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। दोबारा आपने क्या करना है, ये जो बुक है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको डिलीट कर देना है, लायर के ऊपर जाना है, मीडिया के ऊपर जाना है और यहाँ से हम लोगों ने जो पिक्चर्स डाउनलोड की हुई हैं C4CAT, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। कैपिटल सी है और एक स्मॉल है, ठीक है, और इनके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वाला जो बुक का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं और एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे CAT CAT लिख देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे हमने लगा दिया। तो दोस्तों अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक वीडियो भी रेडी हो गई है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, ठीक है, सॉन्ग होता है, वो आप लोग कहाँ से लेंगे, तो वो सब कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, सेव एज वीडियो के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैंने सिंपली सिर्फ 2-3 आप लोगों को समझाए थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, सी फॉर कैट। आप लोगों ने इसी तरह जो है ना जेड तक ये सारे इस तरह अपनी वीडियोज़ क्रिएट करनी है, ठीक है। पीछे जाना है एक दफ़ा, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने दोबारा काइंड मास्टर के ऊपर आना है, क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, ये वाला जो फ्रेम है इसके ऊपर क्लिक करें, क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और इसके बाद अब हमने ये वाली जो वीडियोस डाउनलोड की हुई हैं, ठीक है ना, सॉरी क्रिएट की हुई हैं, ये हमने यहाँ पे सारे ऐड करने हैं, ठीक है, ये सारे हमने यहाँ पे ऐड करने कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है, एक दफ़ा यहाँ पे आप लोग प्ले कर चेक कर सकते हैं कितना प्रोफेशनल तरीके से हमारी वीडियो रेडी हो गई। दोबारा आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ से आप लोग कोई भी इसमें एनिमेशन वगैरह देना चाहें तो वो भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे एनिमेशन शो हो रहे हैं, ठीक है, जो भी आप देना चाहें, जैसा कि ये वाला है, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पर ये चीज़ आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो जो भी आपको सही लगे तो नीचे आप लोग अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक करके सबके ऊपर भी ये अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अब मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा रहा हूँ, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इनकी जो स्पीड है वो थोड़ा सा मैंने कम कर दी है, आप लोग यहाँ पे इनकी स्पीड जो है ना वो स्लो भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप लोग इनकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि ये इसकी स्पीड को भी यहाँ पे मैं कम कर देना चाहता हूँ, तो अब आप लोग यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों ने नहीं करना है, खुद आप लोगों ने वीडियो को देखना है, जैसे ही आप लोगों को उसकी स्पीड सही लगे तो फिर आप लोग उसी जगह के ऊपर उसी टाइप से जो है ना अपनी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो सॉन्ग आप लोगों को कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूँ कि
आपने यहाँ पे ये वाला जो रिकॉर्ड वाला ऑप्शन है, ठीक है, बैकग्राउंड सॉन्ग तो आप लोगों ने लगा देने, वो आप लोगों को फ्री मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने रिकॉर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देने, ठीक है, और स्टार्ट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने इसमें प्रोफेशनल तरीके से वॉइस ओवर करने के ऊपर व्यूज़ जो है ना इसीलिए ज़्यादा आते हैं कि जो लोग यहाँ पे गाइड कर रहे होते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, उनका अंदाज जो है ना वो बच्चों को पसंद आ जाता है। तो जितने अच्छे तरीके से आप लोग इसके ऊपर वॉइस ओवर करेंगे, ठीक है, जितना प्रोफेशनल तरीके से, बेहतर तरीके से, खूबसूरत अंदाज में आप लोग इसके ऊपर वॉइस ओवर करेंगे तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं स्टार्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, A for apple, B for book, C for cat। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, इसकी जो वॉल्यूम है इसको आप लोग अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके, और वॉइस चेंजर के थ्रू आप लोग इसको वॉइस चेंजर के थ्रू चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैं किड पे लगा दिए तो अब आप लोग सुन सकते हैं, A for apple, B for book, C for cat। तो सिंपली मैंने सिर्फ इसके ऊपर जो है ना आप लोगों को समझाने के लिए एक वॉइस ओवर आप लोगों ने ऐसे करना है, यहाँ पे शोर वगैरह भी था तो आप लोगों ने बिल्कुल फ्रेश होकर जो है ना किसी ऐसे मॉल में वीडियो साउंड रिकॉर्ड करना है कि यहाँ पे कोई शोर वगैरह ना हो, ठीक है, और अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करके वॉइस ओवर करना है, मैंने यहाँ पे सिंपली कर लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा देना है, ठीक है, कार्टून वाला, तो वो आप लोगों को कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है, और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या सर्च करना है, studio.youtube.com, ठीक है, studio.youtube.com जैसे आप लोग सर्च करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। गेट द ऐप के ऊपर आप लोगों ने नहीं क्लिक करना है, कंटिन्यू टू स्टूडियो ये वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप लोग किसी और जगह से या यूट्यूब से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको इशू हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों ने, तो इस तरह का जैसे आपके पास एक इंटरफेस आ जाता है, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे म्यूजिक वाला ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको कहते हैं ऑडियो लाइब्रेरी, तो यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी से जो भी चीज़ आप लोग सर्च करेंगे, जो भी सॉन्ग आप लोगों को चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, वो आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सर्च और फिल्टर, ठीक है, लाइब्रेरी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन, तो जैसे ये मैंने सर्च किया, गो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और अब आप लोगों को यहाँ पे ये जितने भी सॉन्ग्स मिल रहे हैं ये आप लोग कार्टून के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके सुनता हूँ, आप लोगों को डाउनलोड वाला ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे आप लोगों ने क्लिक करते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड जो हमारे पास डाउनलोड हो गया है, ठीक है। डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। दोबारा काइंड मास्टर में जाते हैं और हमारी जो यहाँ पे वीडियो है इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ऑडियो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने फोल्डर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर। अब ये वाला जो सॉन्ग था हमने डाउनलोड किया था, अब इसको यहाँ पे हमने ऐड किया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल इसी तरीके से अपने वीडियो को क्रिएट कर लें। यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और सप्लेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। वॉइस ओवर मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं किया, आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है। बाकी वीडियो आप लोगों ने इसी तरह प्रोफेशनल तरीके से वीडियो क्रिएट करना है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी अपनी क्रिएशन है, आप लोगों को किसी की कॉपीराइट रिव्यूज वगैरह किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होगी, बस बाद में आपकी वीडियो में इंप्रूवमेंट आती जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है और इसी तरह वीडियो क्रिएट करके आप लोग यहाँ से लाखों रुपये इंशाल्लाह अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने सेव एज अ वीडियो के ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को सेव कर लेना है। वीडियो हो गई है रेडी, ठीक है। और मुझे आप लोग YouTube चैनल कैसे बनाएंगे और उसकी सेटिंग कैसे करेंगे, थंबनेल, टाइटल, SEO वगैरह सब कुछ मैंने डिटेल के साथ अपनी वीडियो में बताया हुआ है। नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और उन वीडियोस को आप लोगों ने वॉच करना है, वहां से आप लोग सब कुछ सीख सकते हैं। और आप लोगों को एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को आप लोग वॉच करें तो वहां पे ये यूट्यूब की कंप्लीट कोर्स पड़ी हुई है, तो उससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और अब अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।